अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज़। स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने ऑटो कैड मैकेनिकल के ऊपर डिस्कस किया था, सिविल के ऊपर डिस्कस किया था। अब हम ऑटो कैड इलेक्ट्रिकल के ऊपर डिस्कस करेंगे कि ऑटो कैड इलेक्ट्रिकल क्या है, उस पर कैसे काम किया जाता है। ऑटो कैड के अलावा हमने ग्राफिक डिज़ाइनिंग में कोरल ड्रॉ, फोटोशॉप और इन पेज के ऊपर भी काम किया है। एम एस ऑफिस पे भी काम किया है। वेब डिज़ाइनिंग में HTML 5 एंड CSS 3 के ऊपर हमने काम किया है। और उम्मीद करता हूँ आपको इन सब के सब लेसन्स की समझ आई होगी, आपको सब सॉफ्टवेयर पे काम करना आ गया होगा। अब हम ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल पे काम करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ऑटोकैड मैकेनिकल और सिविल में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप लोगों को पता है, आप जानते हैं। ऑटोकैड मैकेनिकल में, अगर मैकेनिकल के बारे में आपको नॉलेज नहीं है, फिर भी हमने ऑटोकैड जो मैकेनिकल किया उसमें आपको काम करना आ गया होगा। लेकिन ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल थोड़ा डिफिकल्ट है, थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि इसके लिए आपको ऑटो कैड में आपको इलेक्ट्रिकल का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको इलेक्ट्रिकल का नॉलेज नहीं है तो फिर आप ऑटो कैड इलेक्ट्रिकल नहीं कर सकते। तो इसके लिए आपको इलेक्ट्रिकल का नॉलेज होना ज़रूरी है। ऑटो कैड इलेक्ट्रिकल में हम डिफरेंट किस्म के प्रोजेक्ट डिज़ाइन करना सीखेंगे। इसमें हम 2D पे काम करेंगे और 3D को भी टच करेंगे, लेकिन 2D पे ज़्यादा काम करेंगे, क्योंकि जितनी भी ड्राइंग ज़्यादातर बनती हैं वो ऑटो कैड की, वो 2D में ज़्यादातर ड्राइंग बनती हैं। इसमें हम डिफरेंट किस्म के सिंबल के थ्रू हमने काम करना है। इसमें PLC बनाने हैं, हमने होम वायरिंग्स वगैरह का डिज़ाइन करनी है कि आप होम वायरिंग कैसे डिज़ाइन कर सको, और मैं काफ़ी सारी चीज़ें और भी हम डिस्कस करेंगे। तो आज के इस फर्स्ट लेसन में हम देखेंगे कि ऑटोकैड क्या है, ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल क्या है, और इन दोनों में फ़र्क क्या है। ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल में कुछ फीचर्स जो हैं वो क्या क्या हैं, इन चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो आज लेसन नंबर फर्स्ट की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि आप लेसन नंबर फर्स्ट में हम क्या चीज़ डिस्कस करेंगे। लेसन नंबर फर्स्ट में ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल 2015 में हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू ऑटोकैड, ऑटोकैड का इंट्रोडक्शन देखेंगे, और इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रिकल ऑटोकैड, इलेक्ट्रिकल ऑटोकैड का इंट्रोडक्शन देखेंगे। ऑटोकैड और इलेक्ट्रिकल ऑटोकैड में क्या फ़र्क है, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे, और ग्राफिक यूजर इंटरफेस ऑफ ऑटोकैड का देखेंगे कि आप जो ऑटोकैड का वो इंटरफेस होता है वो कैसा होता है, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। ओके, अब ऑटोकैड के ऊपर चलते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स, ऑटोकैड जो है, तो आपको पता होगा कि ऑटोकैड है क्या, उस पर कैसे काम करते हैं। तो ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल भी हम डाउनलोड करना सीखेंगे, डाउनलोड कैसे कर सकते हैं, इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं, और ऑटोडेस्क वेबसाइट से ही हम इनसे डाउनलोड करेंगे, जिसमें आपको 3 ईयर फ्री लाइसेंस आपको मिल जाता है। तो ऑटोकैड होता है क्या बेसिकली, इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। ऑटोकैड होता है, ऑटोकैड दो लफ्ज से मिलके बना है, ऑटो एंड कैड से। ऑटो का पीन होता है ऑटोमेटिक, और कैड का मतलब होता है कंप्यूटर एडेड ड्राइंग। कि आप कंप्यूटर थ्रू आप ड्राफ्टिंग या फिर ड्राइंग, दोनों आप कह सकते हैं। कंप्यूटर के थ्रू जब आप कोई ड्राफ्टिंग करते हो या फिर कोई ड्राइंग बनाते हो तो आप उसे कहते हो कैड, और ऑटोमेटिकली जब आप कंप्यूटर के थ्रू कोई काम करते हो या कोई चीज़ आपने कोई ड्रॉ करनी है, कोई आपने ड्राफ्टिंग क्रिएट करनी है, तो उससे आप कहते हैं ऑटो कैड। तो ऑटो कैड क्या होता है, आपका दो लफ्ज से मिलकर बना है, ऑटो और कैड। ऑटो मीन ऑटोमेटिक एंड कैड मीन कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग। कंप्यूटर के थ्रू जब आप ड्राफ्टिंग करते हो उसको आप कैड कहते हैं। ड्राफ्टिंग क्या होती है, तो ड्राफ्टिंग क्या होती है, ड्राफ्टिंग आपके पास, ड्राफ्टिंग इज द टर्म यूज टू रेफर टू द सिस्टमेटिक रिप्रेजेंटेशन एंड डायमेंशनल स्पेसिफिकेशन ऑफ द मैकेनिकल एंड आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर। के आप जब भी कोई चीज बनाते हो, आप ड्राफ्टिंग जो होती है, आपने स्पेसिफिक मेजरिंग यूनिट के थ्रू आप जब भी कोई चीज़ बनाते हो, ड्रॉ करते हो, तो आप उसको ड्राफ्टिंग कहते हो। ये ड्राफ्टिंग आप मैकेनिकल के लिए भी यूज़ करते हो, आर्किटेक्चर के लिए यूज़ करते हो, या फिर ड्राफ्टिंग एक और इंट्रोडक्शन है, कहते हैं कि व्हेनेवर वी ड्रॉ एनी ऑब्जेक्ट बाय द हेल्प ऑफ अप्रोक्सीमेट लेंथ देन वी आर क्रिएटिंग ड्राफ्टिंग। जब भी आप कोई काम करते हो किसी भी अंदाज, मतलब 100% एक्यूरेट लेंथ के थ्रू या फिर अप्रोक्सीमेट लेंथ के थ्रू, तो वो आपका क्या होता है जी, आपकी ड्राफ्टिंग होती है। अंदाजे के मुताबिक भी जब आप कोई काम करते हो, अप्रोक्सीमेट में अंदाजे के मुताबिक भी जब आप काम करते हो, या फिर आप 100% स्पेसिफिक मेजरिंग यूनिट के थ्रू जब आप काम करते हो, उसको आप ड्राफ्टिंग कहते हो। ड्राफ्टिंग की जो टाइप्स होती हैं वो दो टाइप्स होती हैं, मैप एंड ड्राइंग। इसके अलावा भी काफ़ी सारे टाइप हैं, लेकिन मेन जो टाइप्स हैं वो आपके पास दो हैं, जो कि हम ऑटो कैड के से हम देखते हैं कि ऑटो कैड के थ्रू आप ड्राफ्टिंग किस किस किस्म की कर सकते हो। तो उसके थ्रू हम एक मैप
ड्रॉ कर सकते हैं और इसके अलावा ड्राइंग भी कर सकते हैं। और मैप और ड्राइंग होता क्या है, मैप होता है व्हेनेवर वी ड्रॉ एनी ऑब्जेक्ट बाय द हेल्प ऑफ अप्रोक्सीमेट लेंथ देन वी आर क्रिएटिंग वर्किंग एंड क्रिएटिंग मैप। जब भी आप कोई ऑब्जेक्ट कोई भी चीज़ एक अंदाजे के मुताबिक बनाते हो, अंदाजे के मुताबिक उस पर काम करते हो, तो उसको आप मैप कहते हो। जैसे कि दुनिया का नक्शा आ गया, जैसे कि दुनिया का नक्शा आप देखें अंदाजे के मुताबिक बनाया गया, तो ये होता है मैप, कि जिसमें आप कोई आपको कोई मेजरिंग आपको कोई यूनिट्स वगैरह आपको किसी भी किस्म कोई मेजरिंग नहीं पता होती, आप सिर्फ अंदाजे के मुताबिक काम करते हो, उसको आप मैप कहते हो। जबकि ड्राइंग जो होती है, ड्राइंग होती है व्हेनेवर वी ड्रॉ एनी ऑब्जेक्ट बाय द हेल्प ऑफ स्पेसिफिक मेजरिंग यूनिट देन वी आर वर्किंग एंड क्रिएटिंग ड्राइंग। जब भी आप कोई काम करती हो, कोई भी चीज़ बनाती हो एक स्पेसिफिक मेजरिंग यूनिट के थ्रू, एक मखसूस आप यूनिट या मेजरिंग के थ्रू बनाते हो, पैमाइश के थ्रू बनाते हो, तो उसको आप कहते हो ड्राइंग। जैसे कि घर का नक्शा हो गया, ड्राइंग का फॉर्म घर का नक्शा वगैरह हो गया, तो उस पर आपने अंदाजे के मुताबिक नहीं बनाना, उसमें अपने एक्यूरेट उसकी लेंथ वगैरह देनी है, आपने उससे सही पैमाइश करके आपने बनाना है, तो होती है ड्राइंग। ऑटोकैड अब क्या है, ऑटोकैड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कि ड्राफ्टिंग या इंजीनियरिंग डिजाइन के लिए यूज किया जाता है। कैड जो होता है, कैड को बास टाइम आप जो होते हैं कंप्यूटर एडेड डिजाइन भी कहते हैं, कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग भी कहते हैं, और इसके अलावा कंप्यूटर एडेड ड्राइंग भी कहा जाता है इसको, तो इसके काफी सारे आप वो ले सकते हैं। और ये जो कैड होता है, ये आपके इंजीनियरिंग डिजाइन वगैरह, इंजीनियरिंग हो गए या आर्किटेक्चर डिजाइन के लिए यूज किया जाता है, जिसमें आप 2D या 3D ड्राइंग्स या मॉडल्स वगैरह ड्रॉ करते हैं, तो उसके लिए आप ऑटोकैड का नाम यूज करते हैं, ऑटोकैड सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। ऑटोकैड इज अ बेसिकली अ ड्राफ्टिंग सॉफ्टवेयर यूज फॉर इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्ट फॉर 2D एंड 3D ड्राइंग्स, ड्राफ्टिंग ऑफ हाउसेज, स्कीमेटिक, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस, एंड इट इज सब्स्टिट्यूट फॉर पेन एंड पेपर यूज फॉर डिकेड्स। मीन आप जो आपके पास जो ऑटोकैड होता है, ऑटोकैड एक इंजीनियरिंग टूल है, एक इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर है, जिसके थ्रू आप इंजीनियरिंग आर्किटेक्चर वगैरह या फिर आप इलेक्ट्रिकल की भी ड्राइंग्स वगैरह आप ड्रॉ करते हैं, मैकेनिकल की ड्राइंग ड्रॉ करते हैं, और इलेक्ट्रिकल की डिवाइसेस वगैरह की आप कंप्लीट ड्राइंग बनाते हैं ऑटोकैड में। इसमें जो आप जो भी काम करते हैं वो आसानी से और जल्दी हो जाता है। डिजाइन कैन क्रिएट क्विकली यूजिंग द ऑटोकैड एंड इट इज ऑल्सो वाइडली यूज स्टैंड अलोन सॉफ्टवेयर फॉर डिजाइनिंग। और सबसे ज्यादा यूज होने वाला ये सॉफ्टवेयर है आपकी जो है 2D या 3D ड्राइंग्स बनाने के लिए, जो सबसे ज्यादा यूज होते हैं सॉफ्टवेयर वो ऑटोकैड ही होते हैं। ऑटोकैड बहुत ज्यादा हेल्पफुल सॉफ्टवेयर है जो कि आपकी क्लॉथिंग वगैरह या ज्वेलरी वगैरह, लैंडस्केप डिजाइन वगैरह के लिए यूज किया जाता है। मीन काफी जगह पे आप यूज कर सकते हो ऑटोकैड। और इलेक्ट्रॉनिकली अगर आपने कोई चीज ड्रॉ करनी है, कोई भी चीज बनानी है आसानी से और जल्दी से बनानी है, तो आप उसके लिए आप ऑटोकैड यूज करते हो। और ऑटोकैड ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि 100% एक्यूरेट आपके आपको मेजर करके आपको हर चीज देता है, आप 100% एक्यूरेट इसमें काम कर सकते हैं ऑटोकैड में। तो ये हमारे पास ऑटोकैड है। अब इलेक्ट्रिकल ऑटोकैड होता क्या है, इलेक्ट्रिकल ऑटोकैड होता है, व्हाट इज ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल ऑटोकैड क्या होता है, ऑटोकैड हैज, अब इलेक्ट्रिकल जो ऑटोकैड है ये किस लिए डिजाइन किया गया। पहले पहले तो ऑटोकैड जो होता था, तकरीबन आज से 6-7 साल पहले की बात है, ऑटोकैड सिर्फ एक ही होता था, आप उसमें इलेक्ट्रिकली भी काम करते थे, मैकेनिकल काम भी करते थे। अब उसमें सारा काम जितने भी होते थे आप मैनुअली, मीन उसमें कुछ टूल्स ही होते थे उनके थ्रू आप काम कर सकते थे। लेकिन आजकल जो ऑटोकैड में काफ़ी सारी कैटेगरीज आ गई हैं, जिनमें आप ऑटोकैड मैकेनिकल अलग से आ गया, ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल अलग से आ गया, सिविल अलग से आ गया, सिविल 3D अलग से आ गया, इसलिए काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर आपके आ गए। ऑटोडेस्क ऑटोकैड जो सॉफ्टवेयर है ये बेसिकली आपकी ऑटोडेस्क जो कंपनी है उसका सॉफ्टवेयर है। तो ऑटोडेस्क ऐसे सॉफ्टवेयर क्रिएट करती है जो कि आपको कोई भी 3D डिजाइनिंग के लिए यूज किए जाते हैं, उसके लिए ऑटोडेस्क जो है जो कंपनी है वो ऑटोकैड से रिलेटेड या ऑटोडेस्क के जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं वो सारे के सारे आपके 3D डिजाइनिंग के लिए यूज होते हैं, और ये 100% एक्यूरेट सॉफ्टवेयर होते हैं, इनमें किसी किस्म की कोई कोई शक नहीं है कि ये गलत काम या आपकी मेजरिंग आपकी सही नहीं करते, तो ये 100% एक्यूरेट सॉफ्टवेयर होते हैं। तो इसी तरह ऑटोकैड, अब जो इलेक्ट्रिकल आ गया ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल जो है, अब मैकेनिकल में सारे मैकेनिकल का फायदा ये कि मैकेनिकल ऑटोकैड आप जब यूज करते हो तो उसमें मैकेनिकल काफी सारे सिंबल्स पड़े हुए होते हैं, उस ऑटोकैड में मैकेनिकल सिंबल पड़े हुए, और मैकेनिकल से रिलेटेड काफी सारे फीचर हैं उसमें जो कि आपकी मैकेनिकल ड्राइंग बनाने में आपको आसानी फॉर्म करते हैं, मीन आप आसानी से उस पर काम कर सकते हो। इस तरह ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल जो है, इसमें भी कुछ फीचर्स ऐसे हैं कि आप इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड जितना भी काम करते हो
आपको उससे रिलेटेड आपको सैंपल मिलते हैं, आप इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड, आप अगर फॉर एग्जांपल आपने कोई वायर आप गलत लगा रहे हैं या कोई और, तो वो आपको बता देता है कि यहाँ से आपने गलती की है, इस तरह आप उससे समझ सकते हैं। तो ये ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल का फायदा है, उसमें तकरीबन 2000 से अबाव सैंपल पड़े हुए जो कि आपको आसानी से आप अपने किसी भी ड्राइंग्स में आप अप्लाई कर सकते हैं, आपको बार बार सैंपल बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये बहुत ज़बरदस्त सॉफ्टवेयर है। तो इसी तरह आप कहते हैं जी, यहाँ पे कह रहे हैं कि ऑटोकैड है स्पेशल सॉफ्टवेयर, ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल विच इज़ यूज फॉर द इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फॉर डिज़ाइन इलेक्ट्रिकल पैनल्स, जिसमें आप इलेक्ट्रिकल पैनल डिज़ाइन कर सकते हो ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल के थ्रू, वायरिंग सिस्टम डिज़ाइन कर सकते हो, कंट्रोल पैनल डिज़ाइन कर सकते हो, एंड प्रोग्राम और लॉजिकल कंट्रोलर इनपुट आउटपुट डिज़ाइन, आप फॉर एग्जाम्पल प्रोग्राम और लॉजिकल कंट्रोलर मीन इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड भी आप इस पर काम सारा कर सकते हो। इसमें काफ़ी सारे फीचर्स होते हैं जो कि आपके सॉफ्टवेयर में इलेक्ट्रिकल की डिज़ाइनिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिज़ाइन और इलेक्ट्रॉनिक्स के काम भी करने, इलेक्ट्रॉनिक्स लॉजिक गेट्स वगैरह डिज़ाइन करने के लिए, लॉजिक सर्किट वगैरह डिज़ाइन करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। इसमें जो फीचर्स हैं वो क्या क्या हैं उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। फीचर ऑफ ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल, इसके फीचर है स्टैंडर्ड ग्राफिक सिंबल है इसमें, मेन इसमें कुछ सिंबल पड़े हुए, सिंबल इसमें मोर देन 2000 स्टैंडर्ड ग्राफिक सिंबल मेक द टास्क इजीली इजी फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के, इसमें तकरीबन 2000 से अबाउ सिंबल पड़े हुए जो कि आपके इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन ड्राइंग को बनाने में आसानी फ्राहम करते हैं। तो ये जो सिंबल होते हैं, दीज सिंबल लाइब्रेरीज फॉर इलेक्ट्रिकल हाइड्रेलिक इंस्ट्रूमेंटेशन एंड पाइप एड एंड पाइप पाइपिंग एड टू एक्यूरेसी ऑफ द सॉफ्टवेयर, आपके सॉफ्टवेयर में आपने पाइप वगैरह ऐड करने हैं, वायर्स वगैरह ऐड करने हैं, तो उसके लिए 100 एक्यूरेट एक्यूरेसी फ्राहम करते हैं ये सॉफ्टवेयर आपके पास जो है। तो स्मार्ट ग्राफिक सिंबल भी हैं, इसमें ग्राफिक सिंबल जो होते हैं इसमें स्मार्ट सिंबल हैं जिसमें आप फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कह रहा है एंड इफ कह रहा था ग्राफिक सिंबल यूज यूज अ स्मार्ट सिंबल एंड इफ दे आर इंसर्टेड इन टू एनी एग्जिस्टेंट वायर दे ब्रेक द वायर ऑटोमेटिकली एंड द वायर इज इंसर्ट एट अ प्रॉपर लोकेशन, अगर आपके पास गलती से कोई वायर अलग से लगी है तो आप उसके थ्रू उसे काट के दूसरी जगह पे भी आप लोकेट लगा सकते हो, किसी और जगह भी आप उसे लगा सकते हो, ये काफ़ी सारे इसमें काम आप कर सकते हो। एरर अगर आपके पास कहीं पे कोई आ गया है, एरर ट्रैकिंग है इसमें कि आपके पास अगर यहाँ पे कोई एरर आ गया है आपके सॉफ्टवेयर आपके आपने वायर आपने वायरिंग कर रहे हैं वायरिंग में कोई एरर आ गया तो वो एरर को भी आप ट्रैक कर सकते हैं। टाइम सेविंग होता है इसमें काम, इसलिए क्योंकि इसमें कुछ ऐसे फीचर हैं जिसमें आपके काफ़ी सारे कंपोनेंट हैं, कॉपी करने का, डिलीट करने का, सर्किट को आसानी से बनाने के काफ़ी सारी चीज़ें इसमें पड़ी हुई हैं और काफ़ी सारे सिंबल पड़े हुए जिसके थ्रू आप जल्दी काम कर सकते हैं, आपके पास टाइम की बचत भी होती है। इसमें ऑटोकैड में काफ़ी सारी कमांड्स होती हैं, उस कमांड के थ्रू आप अपना डिज़ाइन अपनी ड्राइंग जो होती हैं उसमें कंट्रोल सिस्टम की ड्राइंग्स हैं चाहे वायरिंग इलेक्ट्रिक वायरिंग की कोई भी ड्राइंग्स हैं आप वो आसानी से बना सकते हो। यूजेबिलिटी है इसमें, मीन आप अपने ऑटोकैड में जो भी काम आप बना रहे हो कोई भी चीज़ आप क्रिएट कर रहे हो तो वो आप आसानी से कर सकते हो। पीएलसी इनपुट आउटपुट ड्राइंग्स आप बना सकते हो, प्रोग्राम पीएलसी मीन प्रोग्राम लॉजिक कंट्रोल है, और ये जो है तो आपकी ड्राइंग जो होती है इसमें स्प्रेडशीट मीन आप आसानी से स्प्रेडशीट क्रिएट कर सकते हो। स्प्रेडशीट क्या होती है आपकी, जैसे एक्सेल है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, स्प्रेडशीट है, तो उसमें कंप्लीट डेटा होता है, कंप्लीट डिटेल होती है, तो आप इसी के थ्रू आप वो डिटेल बना सकते हो। ये रिपोर्ट को जनरेट भी करता है और रिपोर्ट जनरेट करके इसमें जो काफ़ी सारे यूज़र होते हैं उनको आप शेयर भी कर सकते हो रिपोर्ट अपनी। और मिनिमाइजिंग पावर कंसप्शन मीन आपने अगर फॉर एग्जाम्पल इसमें आसानी से आप जो है तो कोई भी अगर आपने सर्किट बनाना है कोई भी सर्किट आप ड्रॉ कर रहे हैं तो वो आपका जो सर्किट होगा तो ये आपको बता देगा कि यहाँ से ये ख़राब हो गया है, यहाँ से फ्यूज़ है, यहाँ से ब्रेकर में कोई मसला है, ये सारी चीज़ें आपको आसानी से बता देगा। और इसमें काफ़ी सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं मैकेनिकल से या इलेक्ट्रिकल से, काफ़ी सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो कि आप इसमें आसानी से जो है तो आप इसके ट्यूटोरियल देख के आप इस पर काम कर सकते हो, उसमें से आप ले भी सकते हो। तो काफ़ी सारे इसमें कुछ फीचर्स हैं ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल में। इसका जो इंटरफेस है, ग्राफिक यूज़र इंटरफेस है, वो आपको सामने नज़र आ रहा होगा, इसका ग्राफिक यूज़र इंटरफेस है जो कि ऑटोकैड सिविल और मैकेनिकल दोनों से मिलता जुलता है, बिल्कुल वही चीज़ है। सिस्टम रिक्वायरमेंट इसकी भी वही है जो कि आपके ऑटोकैड
2015 जो है आपका सिविल सिविल 3D हो गया है, या आपके पास ऑटोकैड से है, इलेक्ट्रिकल सबकी सिस्टम रिक्वायरमेंट एक जैसे हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम आपकी विंडोज 7 एंटरप्राइज, विंडो 8, 8.1, 8.1 प्रोफेशनल विंडो होनी चाहिए। सीपीयू जो आपका होना चाहिए वो AMD का होना चाहिए, 64 बिट इसमें जो है तो आपका होना चाहिए। और इसमें मतलब पेंटियम जो है 4 से अबाव होना चाहिए, मीन आपका डुअल कोर Core 2, Core i3 4 लेटेस्ट होना चाहिए डुअल कोर से। मेमोरी 4 GB रैम और 8 GB 4 या 8, मतलब कम से कम जो होती है 4 GB होनी चाहिए, और रिकमेंडेड जो है वो 8 GB इसकी रैम होनी चाहिए। ग्राफिक कार्ड इसमें होना चाहिए। हार्ड डिस्क जो इसकी स्पेस जो है इसका होना चाहिए इंस्टॉलेशन में 8 GB स्पेस होना चाहिए डाउनलोडिंग फाइल में, और 4 GB आपकी फाइल में तकरीबन नॉर्मल स्पेस होना चाहिए। पॉइंटिंग डिवाइस में आपके पास माउस होना चाहिए, DVD वगैरह होनी चाहिए, ब्राउजर में आपका इंटरनेट एक्सप्लोर वगैरह होना चाहिए, और नेट फ्रेम जो है ये माइक्रोसॉफ्ट नेट फ्रेम जो है ये वर्जन 4.5 होना मस्ट है। अगर आप डाउनलोड कर रहे हो इंस्टॉल कर रहे हो, इंस्टॉल करने के दौरान आप इसका जो डॉट नेट फ्रेमवर्क है ये 4.5 होना मस्ट है, इसको 4.5 नहीं होगा तो ये आपके पास काम नहीं करेगा। मेमोरी जो इसकी 8 GB और मोर होनी चाहिए इसकी रैम की, और डिस्क स्पेस जो है तो 9 GB तक आपके पास डिस्क स्पेस होना चाहिए सिर्फ इस पर काम करने के लिए। तो ये इसकी कुछ ये रिक्वायरमेंट है जो कि आपको यहाँ पे मिल गई है। ओके, तो आपको ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल का पता चल गया होगा कि ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल क्या है, इस पे काम कैसे करते हैं, और ये होता क्या है, इस पे हम किस तरह काम करेंगे। एंड चलो नेक्स्ट लेसन में अब मैं आपको ऑटोकैड आप डाउनलोड कैसे कर सकते हो उसके ऊपर डिस्कस करूँगा, फिर आपको इंस्टॉलेशन भी बताऊँगा। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।